उत्तर प्रदेश वाराणसी के निवासी राहुल सिंह को मिशन अजय के तहत वाराणसी सुरक्षित वापस लाया गया। बता दें, राहुल सिंह ने अपनी आपबीती बताई। राहुल ने बताया कि उन्हें इसराइल से 7 तारीख को आना था, जहां किसी कारण बंद कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि हम लोगों को हॉस्टल में फोन करने को भी नहीं मिला, वहां नेटवर्क भी बंद हो गया था। हम हेबस यूनिवर्सिटी के जरूसलम पर थे, जहां पर विवाद इस समय हो रहा है। वहीं स्थान पर हम लोगों का कॉलेज भी है, वहीं से हम PhD कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका फर्स्ट ईयर है, इस समय कॉलेज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जब तक विवाद है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमारा घर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दुर्गा कुंड कबीर नगर में है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वाराणसी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री जी को, वही विदेश मंत्री जी को भी, जो मिशन अजय के तहत हमें सुरक्षित हमारे घर पहुँचाया गया। वहीं परिवार के लोगों ने PMO कार्यालय में भी चिट्ठी दी थी। परिवार के लोगों ने भी मोदी जी का धन्यवाद दिया। राहुल सिंह मेरा पूरा नाम है। क्या करने गए थे और कैसे कैसे भारत सरकार से सहयोग मिला? ये करने तो हम PhD में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी लास्ट ईयर December 2022 में, तो तभी मेरा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ था। और वही मतलब मेरा कॉन्टेक्स्ट था इसराइल जाने का, और आना यहाँ पे मेरा अब चूँकि 1 साल ऑलमोस्ट होने को आया था। 7 तारीख को हमने रजिस्टर किया था यहाँ घर आने के लिए, मतलब अपनी फ़्लाइट की बुकिंग की थी। और 7 तारीख को सैटरडे को सुबह से ही कुछ डिस्टर्बेंस की शुरुआत हुई। वो डिस्टर्बेंस मतलब बहुत जल्दी, वो थोड़ा इंटेंस भी हुआ, लेकिन मेरा फ़्लाइट ऑन टाइम दिखा रहा था। तो हम इधर अपना सारा सामान वामान बांध के और पूरा रेडी थे, टैक्सी का वेट कर रहे थे वहाँ, क्योंकि जेरूसलम से टेल अवीव में एक एयरपोर्ट है, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 45 मिनट्स लगता ऑलमोस्ट जाने में। तो उसी का सब वेट हो रहा था, लेकिन पहुँचने जस्ट वो आधे घंटे पहले ही, मतलब जो मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, उसके एक न्यूज़ आती है कि मतलब हम लोग को मैसेज आता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, मेरे रहते हुए भी, निकलने से पहले ही यहाँ से। और फिर उसके बाद पता चला कि अटैक हुआ है ये, मतलब और बहुत इंटेंसिफाई हो रहा है। सायरन वगैरह सुबह से हालांकि बज रहे थे, लेकिन वो थोड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी। तो उस दौरान फिर अब चूँकि इसराइल मेरा पहला टाइम था, तो मेरे जो वहाँ के लोकल कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने ही कहा कि वो बंकर है और मतलब बाहर नहीं जाना है। मतलब उन्होंने कॉशन किया कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। उसमें यही हुआ कि बाहर नहीं जाना है और खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं, और मतलब बिना किसी कारण से सड़क पे नहीं जाना है। और चूँकि मेरा वहाँ से मतलब लौटना शेड्यूल हो रहा था, तो मेरी चीज़ें भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तो फिर हमको ख़रीदने की ज़रूरत पड़ी। तो 2 दिन बाद हमको जाना पड़ा बाहर पास की एक शॉप में। लेकिन बाहर जाके लगा कि मतलब ऐसे कोई बहुत डर का माहौल नहीं है। जो ये पूरी लड़ाई है या जो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बॉर्डर पे ही मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़े से मतलब वाइड स्प्रेड थे, कि वो कहीं भी एक्सप्लोजन हो सकता है, कहीं भी जो है अटैक हो सकता है, और अटैक वो बॉम्ब अटैक इन दैट वे। तो वो थोड़ा सा अनसर्टन था, लेकिन मेरे को बाहर लोग भी दिखे, रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए दिखे, सारी दुकानें भी खुली हुई थी, कोई ऐसा मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ओपन था, सब कुछ चल रहा था। तो फिर बाहर निकल के थोड़ा सा लगा कि नहीं, चीज़ें फिर भी कंट्रोल में है। तो इस तरह से ये मतलब मेरा वहाँ पे रुकने का ड्यूरेशन। और फिर मेरे को पता चला कि चूँकि हमने फ़्लाइट एक आध बार रीशेड्यूल भी करी, वो भी कैंसिल हो जा रही थी, फिर ये मिशन अजय के बारे में पता चला, जो हम लोग के वहाँ इंडियन कम्युनिटी है, उन लोगों ने, हालांकि पता तो था लेकिन वो कैसे एग्जीक्यूट होगा उसका एक लिंक हम लोग को आया, हम लोग की जो वहाँ इंडियन कम्युनिटी है उसमें। तो उस पर हमने रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद एक आध बार छोटी मोटी फॉर्मेलिटी, और 3 दिन के अंदर अंदर मेरी फ़्लाइट 14 तारीख को रीशेड्यूल हुई, सॉरी 14 तारीख को मेरी फ़्लाइट वहाँ कन्फर्म हुई इंडिया आने के लिए। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार? थैंक यू बोलना चाहेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट मैनी थैंक्स, क्योंकि अब यही लग रहा था कि कब मौका मिलेगा, कब क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर तो, और बहुत सक्सेसफुली, बहुत सेफली हम लोग यहाँ पहुँचे 15 तारीख को सुबह, और कैबिनेट मिनिस्टर एक वो हम लोग को रिसीव भी कर रहे थे। तो अपना देश तो फिर हम मतलब वहाँ तो आने के बाद इंसान कंफर्टेबल हो ही जाता है। बोले पर्चा बोलिए। मेरा नाम अमरीश सिंह है, और हम बच्चे को लेके बहुत परेशान थे कि कब आएंगे हम बनारस। और हमने जो है एक अप्लीकेशन भी दिया था PMO ऑफिस का, जिसका उन्होंने बहुत क्विक रिस्पॉन्स दे के
मोदी जी को और विदेश मंत्री को मेल करा के और तुरंत बच्चे को यहाँ सकुशल भारत वापस करवाए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत 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 धन्यवाद और विदेश मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बच्चा आ गया, आपको कैसा लगा? बहुत खुशी है। एक बाप को जो बच्चे के साथ खुशी मिलती है वही खुशी हमको भी मिली, बहुत खुशी मिली। पूरा परिवार खुश है? पूरा परिवार खुश है। वो भी जो इनका फ्लाइट कैंसिल हो गया था ना, उससे और डिस्टर्बेंस हो गया था कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अगर भारत सरकार नहीं इंटरफियर करती तब तो बड़ा मुश्किल था।